इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे आरजेडी की बड़ी तैयारी। आरजेडी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर सकता है। आरजेडी पहले नीतीश कुमार के कदम का इंतजार करेगा, इसके बाद नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार आरजेडी को है, लेकिन उसके बाद आरजेडी की तरफ से बड़ा कदम लिया जा सकता है। नीतीश कुमार के फैसले के बाद अपने पत्ते खोलेगा आरजेडी। आज विधायक दल की बैठक में मंथन किया जाना है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव अपने आवास पर विधायकों से राय लेंगे। तेजस्वी यादव पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे, पहले बातचीत होगी, यानी आज की जो बैठक आरजेडी की होने जा रही है, इस बैठक में इसी पर मंथन होगा और पहले वेट एंड वॉच किया जाएगा कि नीतीश कुमार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या बड़ी तैयारी है आरजेडी की तरफ से, एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप बताएं। बिल्कुल, देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो हर परिस्थिति के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर इंतजार जो है बस इस बात का है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव तमाम लोग आपस में बैठ करके जो बातें किए हैं उसमें जो बातें निकल करके आई है कि सरकार बनाने का जो दावा है वो भी राष्ट्रीय जनता दल पेश कर सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले कदम जो है वो नीतीश कुमार का इंतजार किया जाएगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि वो इसका कारण जो है वो क्या बताते हैं, इसका इंतजार सबको है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले ये राय, ये बातें सामने निकल करके नीतीश कुमार खुद कहें कि ये जो फैसला लिया जा रहा है या सरकार से अलग हुआ जा रहा है तो उसका कारण क्या बताते हैं। उसके बाद जो बहुमत का आंकड़ा है, हालांकि 8 विधायक चाहिए मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी राजद खेमा जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। बिल्कुल रवि, जरा उस तैयारी को भी समझाइए तो सरकार भी बना सकते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश ये भी है कि जो दावा, बड़ा दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, किस आधार पर किया जा रहा है, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? देखिए अभी जो जानकारियां मिल रही हैं, सबसे पहले जो है जो 1 बजे की जो बैठक है, तेजस्वी यादव अपने जो विधायक, जो MLC जो है तमाम लोगों के साथ बैठेंगे तो उनसे राय शुमारी करेंगे, तमाम लोगों से ये बात पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या सरकार बनाई जानी चाहिए, और उसके लिए सारे लोगों से राय लेंगे और ये बताने की जरूरत होगी कि यहाँ पे तमाम लोगों की जो पार्टी की राय है वो क्या है, और उसके बाद जब नीतीश कुमार फैसला लेंगे तो उसके बाद कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये बातें कि जो तेजस्वी यादव का पूरा कैंप है, ये अंदरूनी जो तैयारी है वो एक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन ये बातें खुल करके अभी सामने नहीं आ रही कि आखिर ये जो विधायक हैं, 8 विधायक हैं वो कहाँ से आएंगे। इसके लिए आपको बता दूं कि बड़ी आने वाले दिनों में जैसे ही नीतीश कुमार का फैसला लेगा उसके बाद राजद स्वतंत्र होगा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव या तमाम जो लोग हैं वो खुल करके सामने आएंगे और उस